जो अभी आप देख रहे हो वो देश की 32 साल की सेवा के बाद सेवा मुक्त हुआ INS खुकरी P-49 जहाज है, जो दुनिया का 30 बार चक्कर लगाने जितनी दूरी को तय किया है, और इसके अलावा ये दूरी पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी का 3 गुना है। के दौरान जहाज की 28 कमांडिंग अधिकारियों द्वारा कमान संभाली गई थी। INS खुखरी ने 6,44,897 समुद्री मील से अधिक की दूरी तय की, जो दुनिया का 30 बार चक्कर लगाने के बराबर है। Thank you.
खोखरी देश की 32 साल की शानदार सेवा के बाद सेवा मुक्त किया गया था। ये स्वदेशी निर्मित मिसाइल कार्मिक में से पहला जहाज था। जहाज का सेवा मुक्त समारोह आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया था। कार्बेट 23 अगस्त 1989 को मचगांव डॉक शिप बिल्डर्स द्वारा बनाया गया था और इसे पश्चिमी बेड़े का हिस्सा होने का गौरव प्राप्त था। जहाज को मुंबई में तत्कालीन रक्षा मंत्री कृष्ण चंद्र पंत और एमवीसी के दिवंगत कैप्टन महेंद्र नाथ मुल्ला की पत्नी सुधा मुल्ला ने कमांडर अब वाइस एडमिरल सेवानिवृत्त संजीव भसीन के साथ अपने पहले कमांडिंग ऑफिसर के रूप में कमीशन किया था। कार्बेट जहाज, बता दे कि कार्बेट एक छोटा युद्ध पोत होता है। ये परंपरागत रूप से पोत का सबसे छोटी क्लास है। एक कार्बेट का इस्तेमाल तटीय गश्ती जहाज, मिसाइल नाव और तेज हमले वाले जहाज के रूप में किया जाता है। इस तरह के जहाजों की तैनाती आमतौर पर उन इलाकों में होती है जहाँ पर समुद्री घुसपैठ का खतरा अधिक होता है। एक कार्बेट आमतौर पर 500 टन और 2000 टन के बीच होता है, हालांकि हाल के डिजाइन 3000 टन तक होता है। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान 9 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी नौसेना डेफिने श्रेणी की पनडुब्बी पीएनएस हैंगर द्वारा गुजरात के दीव के तट पर यह जहाज डूब गया था।